हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पटेल डिजिटल ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा कमाल के इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे पार्टिकल लाइव वॉलपेपर लगा सकते हो, जिसको देखकर आपके मोबाइल की स्क्रीन भी खूबसूरत लगेगी। हर कोई आपसे पूछेगा कि भाई आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ये वॉलपेपर कैसे लगा रखा, हमें भी बताओ। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, जब भी आपके मोबाइल की स्क्रीन पे कोई भी टच करेगा तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ऐसे वॉलपेपर चलने लगेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसा वॉलपेपर लगाना चाहते हैं ना, तो मेरे साथ इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का यूज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप शायद चाह रहे हो कि मैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लूंगा और अपने मोबाइल पर यूज लेना शुरू कर दूं, लेकिन दोस्तों इसकी सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर किसी के मोबाइल पर यह एप्लीकेशन वर्क नहीं करता है। मैं आपको बताऊंगा आपके मोबाइल पर यह एप्लीकेशन वर्क कैसे करेगा। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहो। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो कर लेता हूं स्टार्ट। मेरा नाम सुनील पटेल और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल पटेल डिजिटल ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस लाल बटन को दबा के यहाँ से सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब के बगल में दोस्तों एक घंटा आएगा, तो इस घंटे को जरूर दबा लेना। घंटे दबाने का मतलब क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो यहाँ से इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, इसके लिए ऐप को जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है कलर ब्रश। मैं इस ऐप की लिंक आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल एंड्रॉइड 7.0 से ऊपर है तभी यह ऐप आपके मोबाइल पे वर्क करेगा, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा लिंक डालूंगा इस ऐप की ताकि आप वहां जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करो ना, तो आपके मोबाइल में भी काम करना शुरू कर देगा। आपके मोबाइल सभी मोबाइल पर यह ऐप काम करेगा, और मेरी वीडियो को नीचे से डिस्क्रिप्शन से जाकर इस ऐप को डाउनलोड करोगे। जैसे डाउनलोड करेगा आप इसको ओपन करेंगे दोस्तों, आपके सामने आपको कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप अगर आप यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पर टच करो तो ऐसा वॉलपेपर चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे इसको लाइव वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे सेट वॉलपेपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप सेट वॉलपेपर में क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ये वॉलपेपर लग जाएगा, और अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ऐसे शो पीस कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे ना, सेटिंग में जाने के बाद तो आपको बहुत सारी सेटिंग दिख जाती है। सेटिंग में जाने के बाद तो आपको इमिटर का ऑप्शन दिख रहा हो, यहाँ पे इमिटर का मास्टर ये है। आप दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे यानी फंक्शन दिख जाते हैं आपको, यहाँ पे बहुत तरह के हर तरह के यहाँ पे स्क्रीन दिख जाती है, हर तरह के यानी थीम दिख जाती है। और यहाँ पे स्क्रीन आपको यहाँ पे सुपरमैन की थीम दिख जाती है। जैसे आप सुपरमैन की थीम देखते हो कितनी खूबसूरत लग रही है, सुपरमैन की थीम भी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसे चलने लगी। अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लगा लो तो ऐसे सुपर स्क्रीन यानी सुपर लाइव वॉलपेपर पर चलेगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आप पर्टिकल शेप दे रहा जिस तरह का आप शेप लगाना चाहता है, हार्ट में या लाइफ में या डॉट में, तो आप सिंपली लगा। जैसे मैं यहाँ पे हार्ट में क्लिक कर दूंगा, अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर चल देगी तो आप हार्ट की तरह यानी दिख रहा है। और आपको नीचे आने के बाद अगर आप कलर लगाना चाहते हो, कोई भी कलर चेंज करना चाहते हो, तो आप सिंपली यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, जो भी आप कलर चेंज करना चाहते हो। आपको दोस्तों इस यानी स्क्रीन पे इस थीम पे आपको चार कलर देखने को मिले, अगर चारों कलर चेंज करना चाहते सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। आप दोस्तों यहाँ पे अगर आप यानी आपको यहाँ पे इनका यानी वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो तो ना, मतलब यानी थीम तो डेंसिटी, तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, तो आप बहुत ज्यादा यानी चलने लगा। अगर आप कम करना चाहते हो तो आप यहाँ सिंपली कम भी कर सकते हैं। तो अगर आपको नीचे आने के बाद तो आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा। बैकग्राउंड पे अगर यहाँ पे बैकग्राउंड पर अगर अभी मैंने लगाया था तो अपनी फोटो लगाया था, आपको यहाँ पे ब्राइट का ऑप्शन दिखेगा। डार्क अगर डार्क थीम लगाना तो आप यहाँ सिंपली डार्क लगा सकते हो, तो आप डार्क हो गया है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे ब्राइट, तो आपके यहाँ पे ब्राइट हो जाएगा। अगर आप अपनी फोटो लगाना चाहते हैं सिंपली आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करना, आप अपनी फोटो भी लगा सकते हैं पिक में क्लिक करके। आपको जाना आपको गैलरी पे ले जाएगा, जब भी आप कोई फोटो लगाना चाहता है वो फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं गैलरी पे आता हूं। गैलरी पे आने के बाद दोस्तों मैं यहां पे कोई ये वाली फोटो लगा लेता हूं। ये वाली फोटो लगाऊंगा तो ये वाली फोटो आपको लग जाएगा, यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी ये वाली फोटो आप यहाँ पे लग जाएगी गैलरी पे। अब दोस्तों आपको बैक चले जाना, आप कैसे सेट करेंगे, बैक चले जाना। बैक जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेट वॉलपेपर में क्लिक कर देना। जैसे आप सेट वॉलपेपर में क्लिक करेंगे तो ये थीम आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लग जाएगी। जैसे आप यहाँ पे कहीं भी टच करेंगे, ऐसे टच करेंगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसे थीम चलती रहेगी। कितनी खूबसूरत लग रही है ना दोस्तों, कमाल का इंटरेस्टिंग थीम। दोस्तों अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आना तो कमेंट में नाइस कलर लिखना प्लीज, कमेंट में क्या लिखना, नाइस कलर, ताकि मेरे को पता चल जाए एप्लीकेशन आपको पसंद आया। थैंक यू दोस्तों हमारी इस वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद आपका।